धर्म मेरी बात सुनो, जो 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 उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? लिख के दो हमें बिजली की भरपाई कौन करेगा? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कोई गल नहीं करेगा। जो डीसी साहब हम गल करते जो आखते जो इंश्योरेंस देते उसके मुताबिक गल होगी। कोई बदतमीजी करना की गल कोई नहीं है। ये भी साढ़े बिच हूँ अगर साढ़ा एक लोकतांत्रिक अधिकार है असा ओद यूज किया। डीसी साहब आए कि भी गल है मेरे वालों मैं कहना जो मदद हो पाएगी अगे जाके करूंगा, अगे जाके करूंगा। एक मिनट मेरी हम आराम से गल सुनो। दो चीजा ने थोड़ी मदद करना, हेल्प करनी है, राइट? ठीक है जी, उन्होंने मदद करनी हो मैं सोच रहा रखी भी करनी हो मैं गल करूंगा। दूजी चीज इतने इस वेले 100 गड्डियां खड़ियां, किसी ने कोई एंबुलेंस खड़ी है, कोई बच्चों की बस खड़ी है, कोई वैष्णो देवी की बस खड़ी है, कोई साइड से आ जाओ अभी उत्ते बह के मैं आई विल हेल्प इन एवरी वे पॉसिबल, एवरी वे पॉसिबल, उसको ज्यादा मैं करूंगा। कोई गलत काम तो किसी ने किया नहीं। अब यही एक लोकतंत्र में तरीका बचा है, एक लोकतंत्रिक ढंग से हम सब यहाँ बैठे हैं। हमें लॉ एंड ऑर्डर कानून हम तोड़ नहीं गए, वी हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट। एमएलए साहब क्या लगता है लोकतंत्र अभी जिंदा है जिस तरह की ये कार्रवाई जा रही है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जो ग्रीवियंसेस आ रही है हम ग्रीवियंसेस को लेकर यहाँ बैठे हैं। ग्रीव न होते हम यहाँ पे आज क्या नौबत पड़ती है? तो आप इसका जवाब तो एडमिनिस्ट्रेशन दे देना है। अब जब लोगों में इतना बड़ा रोष है तो उसका जवाब तो एडमिनिस्ट्रेशन को देना ही पड़ेगा। क्या लगता है सरकार कहाँ तक जो है लोगों को हिसाब देती है? कहीं ना कहीं लकुना तो है, लकुना नहीं रहा होता, कोई परेशानी नहीं रही होती, कोई ऐसी बात नहीं हुई होती तो हम लोग आज सड़कों पर क्यों बैठते? टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए हाय 972825 3663 पर।